हरियाणा में अब हर जिले में योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान पंचकुला में योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण सेवा के आयोजन के दौरान कही, जिसमें 882 योग सहायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और योग गुरु बाबा रामदेव ने घर घर तक योग को पहुँचाया। प्रधानमंत्री जी का नाम लो, बाबा रामदेव जी का नाम लो, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई और बाबा रामदेव जी ने अभी तक योग को संत सन्यासियों के आश्रमों में, पहाड़ों में, या बहुत ही साधक जो थे योग के, अपने अपने हिसाब से करते थे, अच्छी पद्धति होने के बाद भी मैदान में नहीं आए थे। बाबा रामदेव जी ने मैदान में लाके खड़ी कर दी, घर घर के अंदर योग पहुंचाया। इतना सब होने के बाद भी लगता है कि इसकी और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में 6500 पंचायतों में योगशालाएं बनाने का मकसद है। 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति का लक्ष्य है। हर जिले में कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त होंगे। योग सहायकों के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। योग सहायकों को मोबाइल भी दिया जाएगा। हर साल योग सहायकों की ग्रेडिंग का काम किया जाएगा। प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान की रैंकिंग निकाली जाएगी। गांव में आबादी अनुसार वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। जो हमने जिलों में अभी कोऑर्डिनेटर जिनकी घोषणा की है, 22 कोऑर्डिनेटर की, उनको सुपुर्द करें एक निश्चित तिथि में, और इन कोऑर्डिनेटर के साथ अगले चरण में 22 के 22 जिलों में योग कोच भी लगाने वाले हैं। योग सिखाने के लिए योग कोच भी हमारे ऊपर रहेगा, उसका लेवल हमसे ऊपर होगा। कोई भी नई चीज है वो हमको बताएगा, कोई हमें शंका वो हमको सिखाएगा, बताएगा। और हर महीने की 21 तारीख को, क्योंकि जून 21 वर्ष का एक दिन है, लेकिन 21 तारीख को हर महीने आएगी, हर महीने की 21 तारीख को जिले के सभी योग सहायक जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनको अपने स्थान पर बुलाएंगे। उसी दिन वो रिपोर्ट उनको संभालेंगे, देंगे, ताकि जिले की जितनी भी योगशालाएं हैं उनकी रिपोर्ट एक स्थान पर आ जाए। और जब योग कोच आ जाएंगे तो योग कोच उनकी और भी कोई ट्रेनिंग करानी है उस दिन। प्रतिदिन तो हम ट्रेनिंग कराएंगे जो हमारे पास योग साधक आए हैं उनकी, लेकिन हमारी सबकी ट्रेनिंग भी योग कोच है वो कराएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि योग सहायकों की संख्या बढ़ेगी तो योगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और इससे हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। We'll be right back.